ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली हाईकोर्ट भर्ती 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में आपको एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम दिल्ली हाईकोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DHC भी बोलते हैं। पोस्ट नेम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की है। टोटल वैकेंसीज यानी कि कुल कितने पद निकाले गए हैं, जो कि है 60 पद। इसके अंदर कुल 60 पद निकाले गए हैं। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें थ्रू ऑनलाइन मोड ही आवेदन कर पाओगे। ऑफलाइन मोड से आवेदन भेजने का इसके अंदर तरीका नहीं दिया गया है। जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। जॉब लोकेशन दिल्ली, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग दिल्ली के अंदर होगी। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 4 जनवरी 2019 है। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 23 जनवरी 2019 है, यानी कि 4 जनवरी 2019 से लेकर 23 जनवरी 2019 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट dillihighcourt.nic.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके पास BCA या BSc कंप्यूटर साइंस, BSc होन्स कंप्यूटर साइंस, BTech कंप्यूटर साइंस, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MTech विद मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि इनमें से जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई, इनमें से अगर आपके पास कोई सी भी योग्यता है 50% पास मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन करने वाले हैं उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। फॉर जनरल UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में है, एज ऑन 1/1/2018, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 1/1/2018 तक 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सन इन अपर एज लिमिट, यानी कि आपको कितनी छूट दी जा रही है, 15 ईयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, 13 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स, 10 ईयर्स फॉर PH कैंडिडेट्स, यानी कि 15 साल की तो SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को दी जा रही है, 13 साल की OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को छूट दी जा रही है और 10 साल की PH कैटेगरी कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी जा रही है। एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि जो लोग इस पद के लिए आवेदन करेंगे उन्हें एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में कितने रुपये देने होंगे। जनरल OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹300 एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने होंगे। SC/ST EX सर्विसमैन PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹150 एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में देने होंगे और ये फीस आपको थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई चालान के माध्यम से जमा करा सकते हो, जो कि ऑफलाइन मोड होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं उनका सिलेक्शन अप्लाई करने के बाद किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब मैं आपको एक बार फिर से इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी भर्ती के लिए उसकी डेट्स ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 4 जनवरी 2019 सुबह 10 बजे से, क्लोजिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 23 जनवरी 2019 रात 11 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू लॉगिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप कब तक इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है कब तक कर सकते हो, तो वो 23 जनवरी 2019 रात 10 बजे तक ही कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 23 जनवरी 2019 रात 11 बजे तक, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी है वो आपको 23 जनवरी 2019 रात 11 बजे से पहले ही करनी होगी। पे स्केल, यानी कि जो लोग इसमें आवेदन करेंगे उन्हें सिलेक्ट हो जाने के बाद कौन कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेंट्स इज 5th लेवल ऑफ पे, यानी कि जो 5th लेवल के अंदर सैलरी दी जाती है वो होता है ए मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC, और जो मैट्रिक्स 7th CPC के अंतर्गत आता है वो सैलरी आपको दी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें आवेदन करने का तरीका, यानी कि आवेदन कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसके बाद आपको वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको इसके होम सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है, और लिंक पर क्लिक करके आपको उस पेज पर चले जाना है जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आपको अपने फॉर्म के अंदर सारी जानकारी भर देनी है जो कि वहां पर मांगी गई है। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर देनी है, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसके हिसाब से। और लास्टली, आपको जो आपने डिटेल्स भरी है फॉर्म के अंदर वो एक बार फिर से चेक कर लेनी है कि कहीं पर
आपके द्वारा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, अगर हो गई है तो आपको उसको वहीं के वहीं क्लियर कर लेना है। और लास्टली बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें। और यदि आप अपना फॉर्म फ़ोन से फिल कर रहे हो तो आप जब फॉर्म आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो आपको उस जगह से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों लास्टली अब आप सोच रहे हो कि कैसे हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और कैसे हम अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और साथ ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही उसको रीड भी कर सकते हो। और अप्लाई ऑनलाइन लिंक का यूज करते हुए डायरेक्टली आप उस पेज पर चले जाओगे जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए फॉर्म भरने में तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप गलत जानकारी देते हो, इसलिए मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा रहा हूँ और वहाँ से आपको मैं कुछ अन्य जानकारी भी देने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और आप इसमें वैकेंसीज के बारे में सारी जानकारी देख सकते हो। साथ ही आप ये भी जान सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए, जैसे कि जनरल के लिए 32 पद है, ओबीसी के लिए 16 पद है, एससी के लिए 8 पद है, एसटी के लिए 4 पद है, जो कि कुल मिलाकर के होते हैं 60 पद। और आप आगे भी पीएफ सर्विसमैन की जानकारी देख सकते हो। और साथ ही अब मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अभी वीडियो में बताई है वही है या नहीं। जैसा कि अभी आप देख रहे होगे, जो मैंने वीडियो में बताई है डेट्स वही यहाँ पर लिखी गई है, तो आप ये मत बोल देना कि आपने गलत जानकारी दी है। इसके अंदर बहुत सारी जानकारी दी गई है जो कि मैंने सही से छांट करके अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करके आपको बताई है। तो दोस्तों अगर आपको इससे भी रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए या आपको जो मैंने जानकारी बताई है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों साथ ही आपको बताऊँ, इस नोटिफिकेशन में आपको इस भर्ती का सिलेबस भी मिल जाएगा, आप इसे पक्का डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों लास्टली इस वीडियो में यही कहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूंगा वो मिलती रहेगी।